नए मंत्री को बेबी देवी जी को शुभकामना देने जा रहे हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ, मैं तुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत सच्चे सिपाही थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सम्मान देने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में नए मंत्री राज्य के हित में बेहतर काम करेगी और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का सपना है उसको पूरा करने में थोड़ा योगदान देगी। आज का दिन मुझे लगता है ये शपथ ग्रहण हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। महिला का बढ़ना एक मंत्री के तौर पे अच्छा, कितना अच्छा है ये। अच्छी बात है, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, इसके लिए तो हम हमेशा फॉर है। इसी की बात है और ये स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि पार्टी और सरकार के तरफ से। भाजपा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि डुमरी उपचुनाव से पहले और कोई काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा है। देश में उन सभी राज्यों को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा का जो राजनीतिक चरित्र है वो क्या है। इस बार मनाही है, इस तरह का बंदिश है नहीं, ये तो राजभवन का मामला है और इस पे हम लोगों का टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, रखना है। ठीक है, 12वां मंत्री कौन, ये तो सवाल आप में भी उठ रहा है। 5 साल आप लोग रघुवर दास को बहुत कोसे थे इस बात पे। तो हम लोग कुछ बात है इसीलिए 12वां नहीं हो रहा। नहीं देंगे पूरे 5 साल या बाद में सोचेंगे? अब देखिए आगे आला कमान का फैसला। क्या बात है जो 12वां मंत्री नहीं भर रहा है, ये तो आला कमान बता सकता है। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है क्या? अब जो आप समझिए वही होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।